जय हिंद। मैं रिजवान सर पटना से आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से गलत पढ़ाकर हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, किस तरह से गलत पढ़ाकर हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। खान सर के अंडर में एक टीचर है जो अपने 53 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेनेशन गलत बता रहे हैं। खान सर के अंडर में एक टीचर है जो अपने 53 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेनेशन गलत बता रहे हैं। उस पूरे एक वीडियो में से 3 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, उस पूरे एक वीडियो में से 3 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्योंकि इतनी सारी गलती करने से पता चलता है कि टीचर को वास्तव में ग्रामर की समझ नहीं है। इतनी सारी गलती करने से, इतनी गलती कैसे कर सकता है कोई? देखिए आते हैं। हैदराबाद केस नॉट आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद नाइदर हो नाइदर नॉर आइदर और सिंगुलर होते हैं। ये नॉर के बाद कोई मतलब नहीं है, इस नाइदर के बाद जो रमेश आया है सिंगुलर है तो उसके हिसाब से यहाँ आर नहीं आएगा, इधर आएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या गलती की है। पहला तो क्या बोले हैं कि नाइदर नॉर में नॉर आई से कोई मतलब ही नहीं है, जबकि नियम यह है कि नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा होता है तो नजदीक वाले के अनुसार होता है। नाइदर नॉर में इसका सब्जेक्ट राकेश नहीं है, इसका सब्जेक्ट आई है। आई के अनुसार यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए एम। जबकि इन्होंने क्या कर दिया है कि बोला है कि नॉर आई यानी आई सब्जेक्ट नहीं है, राकेश के अनुसार बोला है, जो पहला गलती तो इन्होंने ये किया है। हमको ये समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकता है। इसका मतलब जो इनको ग्रामर की समझ नहीं है, ग्रामर में सिंटेक्स चैप्टर की समझ नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सुना, तो सुना, बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन गलती करेंगे और विद्यार्थियों गलत पढ़ाएंगे, ऐसे से टीचर है। देखिए कैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आपको यहाँ जुड़ना पड़ेगा। देखिए इन्होंने क्या गलती बोला, नो सुनर, यहाँ नो सुनर से यदि शुरुआत हुआ है तो नो सुनर पहला ध्यान दीजिए, उनसे पहले जो है इस तरह से चार तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, चार तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें इन्होंने एक टाइप का क्वेश्चन बताया, वो भी गलत बताया। पहला देखिए एग्जामिनर करता है नो सुनर देन लेता है, तो पहला नो सुनर देन लेता है, एग्जामिनर क्या करेगा देन के जगह देन लगा देगा, यानी यहाँ पे एक जगह ई लगा देगा तो यहाँ पे ई नहीं ए होगा, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो इन्होंने बताया वो भी गलत बताया है, नो सुनर इन्वर्जन लेता है यदि शुरुआत में हो तब, तो नो सुनर इन्वर्जन लेगा तो इन्वर्जन में यहां पे इन्होंने क्या बताया वी हैड इंटर्ड नहीं, लेकिन यहां पे ये होना चाहिए हैड वी इंटर्ड, क्योंकि नो सुनर का रूल कहता है कि यदि इन्वर्जन लगेगा तो सब्जेक्ट के पहले भर्व का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के पहले भर्व का प्रयोग होता है इन्वर्जन कहलाता है। तो नो सुनर Had we entered होगा, had अपने बाद भीतरी लेता है, no sooner had we entered होगा, या अगर जो है यहाँ पे did लगाते हैं तो did लगाते हैं तो यहाँ पे v1 करना होगा, यानी no sooner had we entered भी सही हो सकता है, no sooner did we enter भी सही होगा, यहाँ पे ये लगाते हैं तो v1 करना होगा, did we enter, तो दोनों तरह से सही होता है। इन्होंने क्या बोला we had, जबकि आंसर होना चाहिए had we, इन्होंने ये गलती बताया। तो दूसरा तीसरा तरह से आपको ये हमने बता दिया डीड प्लस विमान होगा, हेड प्लस आपको भीतरी होगा। तीसरा टाइप क्या पूछता है कि एग्जामिनर जो है ना देन के बाद यहां पे हेड लगा देगा, देन के बाद हेड लगा देगा, हेड प्लस भीतरी, अब जानते हैं आप अच्छी तरह हेड के बाद भीतरी होता है। वास्तव में देन के बाद कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं आ सकता है, यदि आना भी होगा तो इंडिफिनिट आएगा, यानी देन के बाद इंडिफिनिट आएगा, तो ध्यान रखिएगा एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन ही हैड गॉट भी लिख सकता है, वास्तव में ही हैड के बाद ही हैड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हमारा ही गॉट होना चाहिए, यहां पर यह गलती हो सकता है। अगला जो हमारा देता है कि यदि इसको लिखना चाहे एक और तरीका से, जो आपको बैंक पीओ में पूछता है, क्या पूछता है कि नो सुनर को बीच में ला देगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी नो सुनर इंटर्ड, क्या लिख सकते हैं वी नो सुनर इंटर्ड, यानी नो सुनर को हम यहां भी ला देंगे, यानी रूल क्या कहता है यदि नो सुनर बीच में जाना चाहे तो वह मेन वर्ब के पहले आएगा। तो चौथा तरीका हमारा क्या हो गया, नो सुनर वी
इंटर्ड, देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। तो पहला तरीका क्वेश्चन क्या पूछा, नो सुनर देन लेता है, देन का जगह देन देगा, आपको देन लिखना है। दूसरा तरीका, नो सुनर के साथ इन्वर्जन आता है, तो नो सुनर हैड वी इंटर्ड होगा या नो सुनर डिड वी इंटर होगा। तीसरा तरीका, देन के बाद जो है कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, देन के बाद जब भी यूज करना होगा तो इनडिफिनिट का यूज करना हो, वो इनडिफिनिट प्रेजेंट हो सकता है या पास्ट हो सकता है। यहां पे पास्ट है इसलिए पास्ट इनडिफिनिट दिए, अगर प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट इनडिफिनिट देते। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वी नो सुनर इंटर्ड हो जाएगा, वी नो सुनर इंटर्ड हो जाएगा, वी नो सुनर इंटर्ड कर देगा, यानी इसको बैंक पीओ में पूछा हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ, आप देख रहे हैं ना कैसे गलती कर रहे हैं। जो ही ना कि वह इंटर किया ही था कि वह क्या हो गया, खड़ा हो गया, आई लिफ्ट कर रहा हूं, रूम को छोड़ दिया, यानी हु डू आई वांट, नहीं होम डू आई वांट। यहां देखिए इन्होंने क्या गलती कर दिया, हु को जगह बोला है हुम, इन्होंने बोला कि हु के जगह हुम होगा, वास्तव में नैरेशन की समझ नहीं है, नहीं तो नैरेशन की समझ होती है तो इतना बड़ा इतना छोटा गलती कैसे कोई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट, नहीं हुम आई वांटेड होगा, हु डू आई वांट, नहीं हुम आई वांटेड होगा, क्योंकि नैरेशन की गलती है। यहां पर जो अच्छा आस्क पास्ट है इसलिए हुम आई वांटेड हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। फिर जय हिंद।